बात नाम पर मचे कोहराम पर सुप्रीम स्टॉप की। मुजफ्फरनगर से शुरू होकर नेम प्लेट का विवाद उज्जैन तक जा पहुंचा था, लेकिन जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट की तहरी के भीतर पहुंचा, इस पर विराम लग गया। कांवड़ रूट के हर दुकानदार के लिए नाम लिखने की जरूरी बनाने वाले ऑर्डर पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। सावन का पहला दिन और कांवड़ यात्रा के रूट में हर दुकानदार के लिए नेम प्लेट को जरूरी बताने वाले फैसले पर लग गई रोक। जिस दिन कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई, उसी दिन संगम टू सलमान वाले विवाद का द एंड हो गया। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एस वी एन भट्टी की बेंच ने नेम प्लेट वाले आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि हम प्रशासन की तरफ से जारी निर्देश के अमल पर रोक लगा रहे हैं। दुकानदार खाने का प्रकार लिखें, अपना नाम लिखना जरूरी नहीं है। ये डायरेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से बियॉन्ड ट्रैवल कर रहा है। कोर्ट का ये नजरिया था क्या कि किस तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 26 जुलाई यानी शुक्रवार को होगी। इसके लिए यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार को नोटिस जारी किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश पर विवाद गरमाने के बाद यूपी सरकार ने कांवड़ियों के रूट पर हर जगह दुकानदार को दुकान के आगे अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखने का आदेश दिया था, तो वही उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार के कांवड़ रूट को लेकर ऐसा ही आदेश जारी किया। मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन के लिए ऐसा ही ऑर्डर दिया था। अब तमाम राज्य सरकारों को अदालत में इस फैसले पर अपना पक्ष पेश करना होगा। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। अगली इसकी सुनवाई फ्राइडे को फिक्स। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कई दलीलें दी गईं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि शुरू में दो राज्यों ने आदेश दिया, अब दो और राज्य ऐसा कर रहे हैं। नगर पालिका की जगह पुलिस कार्रवाई कर रही, अल्पसंख्यक और दलितों को अलग थलग किया जा रहा। आप शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, जैन आहार लिख सकते हैं, लेकिन विक्रेता का नाम लिखना क्यों जरूरी है? लोगों की आजीविका प्रभावित की जा रही है, आर्थिक बहिष्कार की कोशिश हो रही है, छुआछूत को भी बढ़ावा दिया जा रहा। इस पर जस्टिस एस वी एन भट्टी ने कहा, क्या मांसाहार करने वाले कुछ लोग भी हलाल मांस पर जोर नहीं देते? सुनवाई के दौरान जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा कि क्या कांवड़िया इस बात की भी अपेक्षा कर सकते हैं कि खाना किसी विशेष समुदाय के दुकानदार का हो, अनाज किसी विशेष समुदाय का ही उपजाया हुआ हो? इस पर याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, यही हमारी दलील है। सुनवाई के दौरान जस्टिस एस वी एन भट्टी ने कहा कि केरल के एक शहर में दो प्रसिद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट हैं, एक हिंदू का, एक मुस्लिम का। मैं व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम के रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता था क्योंकि वहां सफाई अधिक नजर आती थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये भी दलील दी गई कि मुस्लिम कर्मचारियों पर भी फर्क पड़ा है, ये सब कुछ समाज में दिए गए भाईचारा और सौहार्द के लक्ष्य के खिलाफ है। खाद्य सुरक्षा कानून भी सिर्फ शाकाहारी, मांसाहारी और कैलोरी लिखने की बात कहता है, निर्माता कंपनी के मालिक का नाम लिखने का नहीं। तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं रखना चाहिए, आदेश से पहले यात्रियों की सुरक्षा को भी देखा गया होगा। अब 26 जुलाई को जब कोर्ट में अगली सुनवाई होगी, तो यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार की तरफ से अपने आदेश को लेकर क्या पक्ष रखा जाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।